मेहंदी पे तैयार होके हम दुल्हन वाले घर पहुंच चुके हैं। बाहर मेहंदी का अच्छा खासा हल्ला गुल्ला था। मैंने सोचा थोड़ा सा मैं अपना भी लुक आप लोगों को दिखा दूं। मैं ऐसी लग रही थी, पता नहीं कैसी लग रही थी, मुझे खुद भी अजीब लग रहा था। हाय नितर, आईफोन आईफोन का रिजल्ट हैगा कोणी दा? मेहंदी का फंक्शन खैरो खैरियत से हो गया तो ये स्टेज खाली पड़ा था। लास्ट में हमने सोचा थोड़ी सी वीडियो अपने तमाम सब्सक्राइबर जो कि हमारी यूट्यूब फैमिली है आपके साथ शेयर कर दें। और सुबह बारात है, बारात फर्स्ट टाइम है और सेकंड टाइम हम अपने फिर बड़े जेठ के यहाँ चले जाएंगे, वहाँ की भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और सुबह 9:30 बजे बारात ने आ जाना है, 10-11 बजे शायद हम बारात की वीडियो आपके साथ शेयर ना कर सके क्योंकि बारात वाले दिन बहुत ये सारी उनकी जमीनें हैं। ये मुस्कान के बैकग्राउंड आप देख सकती हैं, बहुत खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, बहुत खुला माहौल है यहाँ पर। औरतें नकाब वगैरह भी नहीं करती और यहाँ पर गंदे मर्द भी नहीं है ना। सबसे मुस्कान को यही बात बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर अगर औरतें बाहर फिर रही है तो कोई भी मर्द की जरूरत नहीं औरत की तरफ आंख उठा कर देखे। हाँ बहुत अच्छे लोग है, बहुत मतलब साफ सुथरे जहन के लोग है। अच्छा मुझे उठे, चलिए उठो। ये जी हमारा प्यारा भतीजा मुबीन जो आया था कुछ अरसा पहले, आज हम मुबीन के घर के बाहर खड़े हैं। मुबीन बहुत अच्छा लग रहा है आपके गांव आके, आपको कैसा लग रहा है? हमारे सब्सक्राइबर को सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर। मुबीन बहुत प्यारा है, अल्लाह पाक इसकी अच्छे नसीब करे। और यहाँ पे बहुत प्यारा माहौल है, इधर इनका घर है और ये हमारा प्यारा सा चूचा है। चूची अब्दुल्ला इसका नाम है। हाँ इसका नाम अब्दुल्ला है। और ये आप लोगों को पता है कि मेरी छोटी बहन शैतान मायरा, शादी हमारी जो है रिश्तेदारों की खत्म हो चुकी है। रात मेहंदी थी, सुबह फर्स्ट टाइम बारात थी और वलीमे के दूल्हे वालों की तरफ से हमें इनविटेशन नहीं थी, सो हम उस तरफ से गए नहीं। दुल्हन वालों ने तो कहा लेकिन हम नहीं गए उधर, तो हमने आज शादी का एंड किया। और मुबीन के यहाँ आए अभी थोड़ी देर पहले, तो इनके घर के बाहर अभी घूम रहे। बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ। करवानी आपने, आपके शहर जो आए हुए हैं हम। ये कहता है पाक पतन शरीफ में बहुत बड़ा पार्क है आंटी, मैं आपको वहाँ लेके जाऊंगा। है मुबीन ले जाओगे ना? ये बहुत ज्यादा चालाक है। हाँ कैमरे के आगे नहीं बोलता वैसे बहुत। आज हमारे आने की खुशी में ये स्कूल भी नहीं गया। मैंने कहा कि हम सुबह वापस चले गए थे, नहीं आंटी आप लोग परसों जाए। मैंने कहा हमारे सारे कपड़े तो शादी में पहने धोने वाले पड़े, कहते मैं खुद धो दूंगा, इतना प्यार करता है हमसे। बीनू कपड़े भी धोने ने तू साडे शामी धोवे दा सर्दी उसी सुबह ना धो लो। हाँ जी शादी हो चुकी है इख्तिताम पजीर, इंशाल्लाह हम भी सुबह घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो जाने से पहले जो जो हमारे खास रिश्तेदार है मतलब क्लोज जो रिश्तेदार है आज उनके घर के चक्कर लगा रहे हैं हम, और इंशाल्लाह सुबह या परसों तक हमारी घर वापसी है। मुस्कान कैसा लगा पाक पतन? बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत लगा। यहाँ पे रहना है तुम्हें? हाँ? इधर ही छोड़ जाऊँ? नहीं है मुझे अपने घर जाना है। आई तुम्हें अपने घर, अगर ये यहाँ पे रह गई तो मेरे साथ लड़ाइयाँ कौन करेगा? छोटा सा घर है हमारे लेकिन वहाँ पर हमारा दिल लग जाता है, यहाँ पर नहीं लग रहा। सारे इतना प्यार दे रही हैं और फिर भी तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, फिर जूते मारे तुम्हें फिर अच्छा है?
हेलो अमरूद अमरूद आख मेरो इन काका अमरूद कच्चे ने आख हेलो तू कर जा तू कर अन हला ने कलर बात करे प्यारा तू मैं ना कह हेलो खाने हैं तो आ जाए, नहीं खाने तो आपकी मर्जी, हम तो खा रहे हैं। मेहंदी की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी मैंने, वो मैंने आपके साथ शेयर की। बारात की वीडियो हमने नहीं बनाई थी क्योंकि जब दूल्हा अंदर आया तो बहुत रश था, सो फसल की फैमिलीज थी।